हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक गौतम है और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जो है आपको 20 वाट सोलर डीसी सिस्टम के बारे में बताएंगे, जो कि एक छोटा सिस्टम है। ये एक डेमो है, तो मैं आपको एक डेमो के रूप में इसके बारे में बताऊंगा कि आप इसको कैसे घर में यूज़ कर सकते हैं। ये एक 20 वाट का पैनल है जिसका मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 21 वोल्ट के समथिंग है और इसका जो एम्पियर है वो 1.15 एम्पियर के समथिंग है। तो आप देख सकते हैं कि एक किसका पर्टिकुलर एंगल है, ये उस एंगल पर रखा हुआ है और सन की जो डायरेक्शन है वो सीधा इसके ऊपर गिर रहा है। आप देख सकते हैं वो सीधा यहाँ पर है। तो अगर हम चाहें तो इससे हम डायरेक्ट 12 वोल्ट की कोई सी भी चीज़ जो है रन कर सकते हैं, जो भी 12 वोल्ट से ऑपरेटेड होती हो। लेकिन 12 वोल्ट से हम इसे अगर पैनल से डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे तो वोल्टेज जो है उसमें वेरिएशन रहता है। पैनल कभी भी जो है वोल्टेज, 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट नहीं निकालेगा, इससे कम ज़्यादा सन की डायरेक्शन के हिसाब से और धूप जितनी है उसके हिसाब से इसके वोल्टेज घटते और बढ़ते रहते हैं। तो हम अगर डायरेक्ट किसी 12 वोल्ट की चीज़ को लगाएंगे तो वो चीज़ तो 12 वोल्ट ही लेगी, पर उस चीज़ को ख़राब होने का डर जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हम जो है कंट्रोलर भी यूज़ करते हैं, कंट्रोलर भी हम आपको यूज़ करना दिखाएंगे और हम आपको डायरेक्ट भी चला के दिखाएंगे कि डायरेक्ट भी चलता है या नहीं चलता है, कैसे चलता है ये। तो देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ैन है, ये 12 वोल्ट डीसी फ़ैन है जो कि 12 वोल्ट की किसी भी बैटरी से चल सकता है। ये 1 एम्पेयर के समथिंग कंज्यूम करता है और ये आपको 1200 से 1500 रुपए के बीच कहीं भी मिल जाएगा। ये 12 वोल्ट की इसमें मोटर लगी हुई है, ये 12 वोल्ट डीसी मोटर से ही काम करता है। अब अगर हम देखें कि ये हमारा पैनल है, पैनल से अगर हम जो हमारी वायरिंग आ रही है, जैसे ये प्लस और माइनस की जो वायरिंग है, अगर हम इसे डायरेक्ट चलाएं तो हम देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो हम चेक करते हैं कि ये जो हमारे फ़ैन जो है, फ़ैन का जो प्लस माइनस है वो मेरे पास है, ये रहा, और पैनल से जो हमारे पास वायर आ रहा है वो ये है। तो अब हम जो है इसे डायरेक्ट रन करके देखेंगे कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। हम इसे डायरेक्ट चलाते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। तो इनका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट रहेगा। अब जैसे ही ये डायरेक्ट होगा तो ये चालू हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों कनेक्शन कर दिए हैं और हमारा फ़ैन जो है वो रनिंग है, आप देख सकते हैं। अब वोल्टेज इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो मैं भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि वोल्टेज क्या हो सकते हैं। ये हमने डीसी पे सेलेक्ट कर लिया है इसको, तो मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ क्या रहेंगे। इसमें चेक करवा देता हूँ कि अभी क्या वोल्टेज आ रहे हैं। फैन हमारा स्टिल रनिंग है तो ये आप देखिए कि ये देखिए अभी इसमें वोल्टेज जो शो कर रहा है वो कर रहा है 4.67, ये देखिए आप, वेरिएशन आ रहा है। प्लस हमने 12 वोल्ट का पैनल भी लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये अभी जो हमारा पैनल है वो 17 या 18 वोल्ट के समथिंग निकाल रहा है, क्योंकि ये 12 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है।
इसलिए इसका वोल्टेज 4.69 दिखा रहा है। अब चाहे तो मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ कि ये कितना जो है वोल्टेज आ रहा है इसका। मैं इसके कनेक्शन को हटा देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा अभी कि ये हम फैन को हटा देते हैं। ये देखिए आप, ये मैं इसको लगा देता हूँ, अभी आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि वोल्टेज। ये आप देखिए, ये आप देखिए, वो माइनस इसलिए शो कर रहा है कि मैंने इसका जो है माइनस को प्लस में कनेक्ट कर दिया है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब आप ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए आप, इसका जो वोल्टेज है वो 18.79 यानी टोटल 19 वोल्ट्स के समथिंग ये वो निकाल रहा है। और जब हमने इसको डायरेक्ट चलाया तो वेरिएशन भी आया, प्लस उस पर क्या होगा कि डीसी मोटर पे भी लोड पड़ेगा, कम ज़्यादा की वजह से ख़राब हो सकती है। तो इसमें जो वोल्टेज पहले दिखा रहा था 4.5 के समथिंग, वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि इसका वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, अब हम जो है इसको आपको कंट्रोलर्स के साथ भी कनेक्ट करके दिखाएंगे कि ये कंट्रोलर के साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये तो हमारे पास डेमो के लिए 7.5 एम्पियर लुमिनस की बैटरी है, ये देखिए आप SMF। इस पर हमने जो है इसको हमने, ये हमारे पास एक कंट्रोलर है, ये लोकल कंट्रोलर है लेकिन ये फॉर डेमो है। ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर जो है ये 10 एम्पियर तक हम यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें 150 वाट तक की पैनल हम इसमें लगा सकते हैं। अब इसमें जो है ये पैनल का प्लस माइनस, बैटरी का प्लस माइनस और ये लोड है। ठीक है, तो इस पर हम लोड भी लगाएंगे। बैटरी को हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसको जो है हम अब पैनल से कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको पैनल से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी की जो है चार्जिंग ऑन है। तो हमने जो है पैनल को इसमें कनेक्ट कर दिया है प्लस से माइनस, और इसकी चार्जिंग हमने ऑन कर दी है। ठीक है, अब इसकी चार्जिंग ऑन होने के बाद हम जो है लोड को इस पर हम लगाएंगे पैनल को इससे डायरेक्ट, तो वो जो लोड है वो बैटरी से चले। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, जैसे हमने पैनल्स को इसमें कनेक्ट किया और बैटरी को, तो सबसे पहले हमें इसमें बैटरी को कनेक्शन करना है, उसके बाद जो है वो हमें पैनल का कनेक्शन करना है, फिर लोड का कनेक्शन करना है। तो हमने ये बैटरी को इससे कनेक्ट कर दिया है और चार्जिंग जो है वो हमारी ऑन हो गई है। ठीक है, बैटरी अभी मतलब हमारी चार्ज चल रही है, जब भी शो करेगा जब बैटरी लो होगी। ठीक है, तो लोड हमने कनेक्ट कर, लोड करने के बाद जो है हमारे फैन की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से जो है ये चल रहा है, क्योंकि इसको बैटरी से प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है और जो ये कंट्रोलर से ये जुड़ा हुआ है, कंट्रोलर में चार्जिंग ऑन है। अब इसमें जो हमारे पास एक चीज़ है वो है डीसी वोल्ट, रेमन का जो है 12 वाट का डीसी वोल्ट का जो है एक बल्ब है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का कुछ बल्ब है रेमन का 12 वोल्ट। ये जो है 9 वाट, ये 12 वाट का बल्ब है जो कि डायरेक्ट डीसी पे काम करता है। तो अभी मैं आपको जो है वो डायरेक्ट इसको जो है रन करके भी दिखाऊंगा कि ये जलता है या नहीं जलता है डायरेक्ट पैनल पे। तो ये जो है पैनल के जो है प्लस माइनस मेरे पास है, ठीक है, तो बल्ब का जो है प्लस इसमें लगाते हैं, अभी चेक कर लेंगे। इसमें प्लस माइनस अगर उल्टा सीधा हो जाए तो कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं, ये जलता नहीं है अगर उल्टा सीधा हो जाएगा तो। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम इसमें देख रहे हैं, इसको लगाते हैं हम ऐसे, ये देखिए, ये अभी हम डायरेक्ट जो है ये प्लेट रखी हुई है, प्लेट से जो भी वायर आ रहा है ये हम इससे डायरेक्ट चला रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसमें डायरेक्ट इसको ऑन कर लेते हैं, ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है। तो हम जैसे ही इसको जो है, ये 12 वाट का है तो ये डायरेक्ट, ये अभी एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा है प्रॉपर, लेकिन ये इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए आप, ये देखिए,
तो ये 12 वोल्ट का जो है वो हम डायरेक्ट चला सकते हैं इसे, लेकिन जो है ख़राब होने का डर इसमें ज़्यादा रहता है क्योंकि वोल्टेज का अप डाउन होता रहता है। तो आप आई होप आपको ये सब वीडियोस जो है मैंने बनाई हैं जो पूरी ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।